जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे मधु कैटब की कथा की। प्राचीन समय की बात है, चारों ओर जल ही जल था। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटब नाम के दो महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए। वे सोचने लगे कि हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। कैटब ने कहा, इस जल में हमारी सत्ता को कायम रखने वाली भगवती महाशक्ति ही हैं। उनमें अपार बल है, उन्होंने ही इस जल तत्व की रचना की है। वे ही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण है। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाघ बीज सुनाई पड़ा। उन दोनों ने सोचा कि यही भगवती का महामंत्र है। अब वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लगे। अन्न और जल का त्याग करके उन्होंने 1000 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या की। भगवती महाशक्ति उन पर प्रसन्न हो गई। अंत में आकाशवाणी हुई, दैत्यो तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर मधु और कैटब ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। देवी ने कहा, दैत्यो मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। देवता और दानव कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे। देवी के वर देने पर मधु और कैटब को अत्यंत अभिमान हो गया। वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। एक दिन अचानक प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, सुव्रत तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मधु और कैटब की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। उनका सारा समय तप में बीता था। युद्ध करना उनके स्वभाव के प्रतिकूल था। भयभीत होकर वे भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय भगवान विष्णु योग निंद्रा में निमग्न थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने पर भी उनकी निंद्रा नहीं टूटी। अंत में उन्होंने भगवती योग निंद्रा की स्तुति करते हुए कहा, भगवती मैं मधु और कैटब के भय से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु तुम्हारी माया से अचेत पड़े हैं। तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी का मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। तुमने ही मुझे जगत सृष्टा बनाया है। यदि मैं दैत्यों के हाथों से मारा गया तो तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी, अतः तुम भगवान विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवती भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गई और भगवान उठकर बैठ गए। अनंतर उनका मधु और कैटब से 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। फिर भी वे उन्हें परास्त करने में असफल रहे। विचार करने पर भगवान को ज्ञात हुआ कि इन दोनों दैत्यों को भगवती ने इच्छा मृत्यु का वर दिया है। भगवती की कृपा के बिना इनको मारना असंभव है। इतने में ही उन्हें भगवती योग निंद्रा के दर्शन हुए। भगवान ने रहस्यपूर्ण शब्दों में भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, विष्णु तुम देवताओं के स्वामी हो, मैं इन दैत्यों को माया से मोहित कर दूंगी, तब तुम इन्हें मार डालना। भगवती का अभिप्राय समझकर भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध से मैं परम प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे इच्छा अनुसार वर मांगो। दैत्य भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, विष्णु हम याचक नहीं दाता हैं, तुम्हें जो मांगना हो हमसे प्रार्थना करो, हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। भगवती की कृपा से मोहित होकर मधु और कैटब अपनी ही बातों से ठगे गए। भगवान विष्णु ने दैत्यों के मस्तकों को अपने जांघों पर रखवाकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस प्रकार मधु और कैटब का अंत हुआ। दोस्तों सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।